आसिफ जरदारी ने पार्क लेन कंपनी और लग्जरी गाड़ियों के केस में जवाब नैब में जमा करा दिया। आसिफ जरदारी ने जवाब में मौके पर इख्तियार किया है कि पार्क लेन कंपनी केस पर नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं, नैब निजी कंपनी के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी पर बात करेंगे, शहरयार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरयार, आगाह कीजिएगा, क्या मौकफ अपनाया है आसिफ अली जरदारी ने? बिलावल कब तक जवाब जमा करवाएंगे? जी बिल्कुल, जो पीपल्स पार्टी जराए के मुताबिक पार्टी नॉन कंपनी और पार्क लेन के हवाले से जो जवाब जमा कराया है उसमें ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि नैब जो है एक निजी कंपनी पर जो है उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है, और पार्टी नॉन कंपनी को नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए के कर्जे का उन्हें इल्म नहीं है। और आसिफ अली जरदारी ने यह भी बताया कि पार्क लेन कंपनी उन्होंने 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी और इसमें इकबाल मेहमान, बिलावल रहमतुल्ला, मोहम्मद यूनस और अल्ताफ हुसैन शराकतदार थे, और पार्क लेन कंपनी में सिर्फ उनके 25% शेयर हैं, जबकि सदर बनने से पहले 1 सितंबर 2008 को उन्होंने कंपनी की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था। तहम उन्होंने ये भी वादे किया है कि उनका और बिलावल भुट्टो का। ठीक है, आसिफ जरदारी ने जवाब जमा करवा दिया है। शहरयार, आपका शुक्रिया।